नमस्कार साथियों, आज है 17 सितंबर। तो 17 सितंबर के सभी शैक्षणिक समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। वीडियो शुरू करते हैं। 34वीं शिक्षक खेलकूद प्रतियोगिता है वो आगामी आदेश तक उसको स्थगित कर दिया गया है। मेरिट स्कॉलरशिप के आवेदन 30 सितंबर तक है वो भरे जाएंगे। मदरसा विश्वविद्यालय MCOM पाठ्यक्रमों में वो प्रवेश है वो शुरू हो चुका है। विश्वविद्यालय की परीक्षाओं के परिणाम वो जारी कर दिए गए। व्यास विश्वविद्यालय 1100 कर्मण्य स्कूलों ने नहीं ली मान्यता। बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने पर मंडराया संकट। सैनिक स्कूल झुंझुनू के अंदर रिक्त की कुछ पदियां जो है वो अधिसूचना है। RS 2021 सेवा प्राथमिक कर्म स्थिरित आवेदन पत्र 19 से होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। यहाँ पर आपत्ति जताई लॉ यूनिवर्सिटी के पेपर में आए सिलेबस से बाहर के प्रश्न पर आपत्ति वो जताई गई। अनुदान राशि से राज्य के विद्यालयों को मिलेगा संबल। समग्र शिक्षा अभियान कंपोजिट स्कूल ग्रांट के तहत मिलेंगे 242 करोड़ रुपए। कार्यालय जिला परिषद बांसवाड़ा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति यहाँ पर घोषित की गई। जिला मुख्यालय पर शिक्षकों का प्रदर्शन, तबादलों पर रोक हटाने की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। नेक ग्रेडिंग जियो टेक फोटो विद्यार्थियों की ईमेल भी जरूरी। नए नियमों में कॉलेज यूनिवर्सिटी से UGC ने मांगी विस्तृत रिपोर्ट। CUET UG परीक्षा परिणाम जारी। मेरिट सूची में 21वीं परसेंटाइल प्रणाली का उपयोग। प्रेस विज्ञप्ति जारी। कार्यालय जिला परिषद अजमेर की ओर से कोई 8 केंद्रों पर होगी परीक्षा। लॉ यूनिवर्सिटी से 25 पदों पर होगी जूनियर असिस्टेंट की भर्ती। अभ्यर्थी को ऑनलाइन भरना होगा विस्तृत आवेदन पत्र। 6 माह से उधारी में पक रही दाल, पोषाहार के लिए शिक्षकों को बदलनी पड़ी रही दुकान। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए कार्यालय जिला परिषद चित्तौड़गढ़ में प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। कह रहे हैं जिला परिषद द्वारा कनिष्ठ सिद्धि भर्ती 2013 की विज्ञप्ति उसके संबंध में 620 पदों के लिए जारी की गई है। फिर भीलवाड़ा की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। ये भी राजस्थान PTI भर्ती परीक्षा के प्रवेश कार्ड वो जारी कर दिए गए। फिजिकल एजुकेशन टीचर एंड PTI भर्ती के वो जारी किए गए, जिसमें PTI के 5,500 पदों पर 25 सितंबर को 2 शिफ्टों में होगी। और मूक बधिर हमें उच्च शिक्षा लेनी है, सरकार हमारा दर्द। नेक्स्ट है कार्यालय जिला परिषद अलवर की ओर से यहाँ पर जारी की गई है। 85 व्याख्याताओं को भेजा प्रतिनियुक्ति पर। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की ओर से प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई। ऑनलाइन विस्तृत आवेदन और सेवा प्राथमिकता के क्रम के संबंध में 5,471 सीटों के लिए 8वीं के विद्यार्थी 20 सितंबर से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और NMMS इस वर्ष अधिकतम सालाना आय में की वृद्धि। कोविड में बाधित हुई पढ़ाई की भरपाई के लिए शिक्षा विभाग का नवाचार। कक्षा 3 से 8 के शिक्षक पढ़ाएंगे टीचिंग ऐप से। शिक्षक तकनीशियन के लिए मांगे गए आवेदन। IIT NIT जॉइन काउंसलिंग 2022 प्रथम मॉक सीट आवंटन 18 को। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए खेलों में व्यस्तता तो विज्ञान में पस्त। इंस्पायर अवार्ड की अंतिम तिथि को एक पखवाड़ा से मात्र 15% मंजूर हुए हैं। फिर नेक्स्ट आपके लिए चूरू जिले 186,208 स्कूल सीखते दूध से वंचित आदेश में ही अटक कर रह गया बाल गोपाल का सरकारी दूध। रिक्त सीटों के लिए जारी हुई प्रतीक्षा सूची कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया। BRC ऑफिसर के कुल 151 पद पर निकली भर्ती। इंडियन कोस्ट गार्ड विभिन्न पदों पर 300 नौकरियां। पेट की आग भारी, नहीं खेल पाए 40% खिलाड़ी। आज के समाचार यहीं से हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।